चलते कंडोलिया पार्क का आपको दिखाते हैं। बहुत नाम सुना है इसका, मैं पहली बार आ रहे हूँ बच्चों को लेके, तो चलो दिखाते कंडोलिया पार्क क्या नया है इसमें। कंडोलिया पार्क पौड़ी गढ़वाल की नई पहचान। जी हां, गुरुवार 28 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कर कमलों द्वारा यह थीम पार्क पौड़ी की जनता को समर्पित कर दिया गया। कंडोलिया पार्क के बारे में बताया जाता है कि यह उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल के कमद नामक स्थान पर देवदार के घने पेड़ों के बीच बसा है। यह पार्क भारत का सबसे ऊंचा पार्क है। यह भारत का पहला थीम पार्क है जो कि 1750 मीटर के हाई अल्टीट्यूड पर बना है। इस पार्क की विशेषताएं, इस पार्क की सबसे बड़ी विशेषता लेजर लाइट सिस्टम तथा म्यूजिकल फाउंटेन सिस्टम है। लेजर लाइट में कंडोलिया पार्क की छटा देखते ही बनती है। यह पार्क भारत का सबसे ऊंचा पार्क है। यह पार्क भारत का पहला थीम पार्क है। इसमें हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग व्यवस्था है। पार्क उत्तरकाशी के कोटी बनाल शैली पर आधारित है। यहां पर्यटकों के लिए स्विस काटेज बने हैं। थीम पार्क में स्थानीय मनोरंजन की व्यवस्था भी है। यहाँ जिम, स्केटिंग एवं रिंग की व्यवस्था भी है। इस पार्क में स्थानीय पहाड़ी संस्कृति को जीवंत रूप देने का पवित्र प्रयास किया गया है। मुझे आशा है कि कंडोलिया पार्क की यह जानकारी आपको एक बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करेगी। तो चलते हैं और दिखाते हैं कि ऐसा क्या है इस पार्क में। एंटर करते हैं और टिकट लेते। चल, अब ये टिकट है, 8 टिकट। अच्छा, 5 रुपए का एक टिकट। चलो टिकट तो ले ली, अब चलो अंदर। हल्की हल्की बूंदा बांदी भी हो रही है, टिकट तो ले ही ली हमने। फिलहाल तो थोड़ी बारिश हो रही है, तो थोड़ा यहाँ मुझे लगता है कोई रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट है यार अंदर। हाँ, ये रेस्टोरेंट भी है, खाना खुना खाने का मुझे लग रहा है ऐसा। चलो, हाँ है, है, है। लंच में 1 घंटे की वेटिंग है। हाँ, तो कह रहा 1 घंटे के बाद स्नैक्स भी तभी कर सकते हो, और वो भी बंद हुई, बारिश नहीं हुई। चलो चलो उधर की तरफ आ जाओ। अरे लोग खड़े हो रखे, क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश से बचने के लिए लोग हल्की हल्की बूंदा बांदी चल रही है। ये यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना रखे, आई लव पौड़ी, बहुत अच्छा बना रखा है। छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसकी बैक साइड है, कुछ रिसोर्ट वगैरह भी बना रखे हैं ठहरने वगैरह के लिए, बुकिंग होती होगी इन रिसोर्ट्स की। अब ये खाली है कि नहीं है, बच्चों के झूले लगा रखे हैं। बच्चों के लिए मतलब बहुत अच्छा पार्क है, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा एंजॉयमेंट है टाइम पास करने के लिए बच्चों को।
दो तीन घंटे का टाइम पास हो जाएगा। पार्क में ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट बना रखा है, अगर भूख भाग लगे तो आप खाना खुना भी यहाँ पर आराम से खा सकते हैं। शाम को इस पार्क में घूमने का अलग ही आनंद है, जब म्यूजिकल फाउंटेन अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं जो देखते ही बनता है। इस पार्क में रात को जो लाइटिंग की जाती है वह भी देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कुल मिलाकर रात को यह पार्क अपनी सौंदर्य की चरम सीमा पर होता है, जो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। आगे निकी घूम गए थकी है क्यों? वॉशरूम इसलिए लॉक कर रखा होगा ना, लोग ज्यादा जाते हैं। आया वहां पर एक एक सब खींचे गए, सारे बच्चे वहां उसके पीछे खड़े होकर फोटो खिंचाओ सबकी। साफ गजब। अरे ये गुड़गांव में भी बहुत है, गुड़गांव में पौड़ी का भी है। आई लव गुड़गांव लिखा उसमें। चलो 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 यार, पूछ लो खाना खाने में तो कहीं और चलते। हो गया होगा एक घंटा बोला था ना, हो गया होगा। Thank you.
तो दिखाया आपको पूरा टूर कंडोलिया पार्क का। अब टाइम हो गया, थोड़ा बारिश भी फिर दोबारा से होने लगी है, तो चलते हैं, खाना पुना खा ही लिया है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय 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 बाय।